आपने बड़ी अच्छी बात की कि इन प्लेयर्स पे फेथ होना चाहिए, लेकिन कुछ आपके मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन हैं जिन पे काफ़ी फेथ किया गया, काफ़ी चांसेस दिए गए, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिनमें इफ्तिखार हैं, खुशदिल हैं, तो क्या समझते हैं कि इनकी तब्दीली हो जानी चाहिए, क्योंकि फेथ करने के लिए और भी प्लेयर्स सिस्टम में मौजूद हैं। देखिए भाई, आप कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं? चीफ सेलेक्टर से ज़्यादा आप फॉलो नहीं कर सकते, सॉरी मेरी बात, क्योंकि बात पे ही बात है ना, आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है इतनी दफ़ा ये बात हो गई है, आप बींगे पाकिस्तानी, मैं बींगे पाकिस्तानी, आपको मैं 10 दफ़ा कहूँ यार आपकी शक्ल ठीक नहीं लग रही, 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 आप जाके आईना देखना शुरू कर देंगे, घर वालों से पूछेंगे यार मेरी शक्ल ठीक है कि नहीं ठीक है, आप साइकोलॉजिकल इल हो जाएंगे। इतनी दफ़ा बात करते 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 ये बातें इतनी चल रही हैं, मैं ये समझता हूँ यू आर नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्लेयर्स, सॉरी इट्स अ बिट हार्श, सॉरी। इतनी दफ़ा बातें करते 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 फेथ है नहीं है, फेथ है नहीं है, ये ठीक नहीं चल रहा, ये ठीक नहीं चल रहा, ये ठीक नहीं चल रहा, ये ठीक नहीं चल रहा। जिसने टीम सेलेक्ट की है उसने और हम सब ने, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे पता है मेरी इस बातों से बहुत सारे एंगल्स और बहुत सारे सवालात और बहुत सारे शोज होंगे, मुझे पता है, बट इतनी दफ़ा बात करके आप डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, बजाय इसके कि डाउट्स क्रिएट किए जाएं, आई थिंक फिर ये भी होगा भी क्रिटिसिज्म या हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और हम लोग आपको सही राह दिखा रहे हैं, हम सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो ये इस तरह की बातें होंगी, बट आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट, वी हैव फेथ। जब फेथ होता है तो पूरा फेथ होना चाहिए, और सो फार हम इनको बैक भी करेंगे और फेथ भी रखेंगे। अगर मेरी बात कहीं हार्श लगे तो मैं आपसे सबके सामने सॉरी कर रहा हूँ, एंड इट्स ट्रू, ये ऐसा ही होता है। अगर आप बार बार बात करते चले जाएंगे, एक बंदा सही रास्ते पे भी जा रहा होता है, वो डाउट उसके जहन में आ जाता है। मैं आपको इस बात से ही बात चल रही आई, मैं आप सबके सामने एक किस्सा छोटा सा सुना देता हूँ, कोशिश करूँगा मुख्तसर। एक आदमी अपने बच्चे के साथ जा रहा था, बेटा खच्चर में बैठा था, वो पैदल चल रहा था, शायद सुना होगा, कहा ये देखो बाप पैदल चल रहा है, ये ऊपर बैठा हुआ है, वो बेटा उतरता है, वो बाप खच्चर पे बैठ जाता है, कहते हैं देखो कितना जालिम है, बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद जो है, अब वो दोनों बैठ जाते हैं, कहते हैं देखो कितने जालिम है, जानवर बेजुबान इसके ऊपर दोनों बैठे हुए, वो दोनों उतर जाते हैं, कह यार देखो कितने बेवकूफ है, सवारी है इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली, मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है, 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 हम सबका रेस्टोरेंट।